खरगोन जिले में अतिवृष्टि से फसलों को पिछले एक माह में भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर भारतीय किसान संघ ने आरोप लगाए हैं कि लगातार समस्या बताने पर भी जिला प्रशासन सर्वे नहीं करवा रहा है, जबकि फसल खराब होने के बाद कई खेत खाली होते जा रहे हैं। इस साल अधिक बारिश होने से खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई है। इसके बावजूद किसानों की पीड़ा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय किसान संघ ने जिले के 5 विधायकों ने 154 गांवों में खेतों में सर्वे कर किसानों से बात की। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 71% से अधिक फसलें अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुकी है। हमारी मांग है कि अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का सरकार सर्वे कराए और हम किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, अन्यथा हम प्रदेश भर में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। यदि भगवान न चाहे मेरा किसान भी इतना बड़ा व्यापारी बन जाए कि उनका समूह बना के वो सीधे बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई ना तक की विदेशों में व्यापार करने की योजना बनाए। ऐसी स्थिति में आजकल ये जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से, वायदा बाजार के माध्यम से यदि हम किसी फसल का सौदा कर लेते हैं और हम चेन्नई बेचते हैं हमारा समूह, कल को वहां पर वो फेल हो जाए या विवाद की स्थिति बने, तब भारतीय किसान संघ जिला खरगोन ने मांग की है कि ऐसी विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना। ये आज आप लोगों ने धरने पर बैठे हैं, अभी ज्ञापन देने भी जा रहे हैं, क्या मांग है और किस लिए धरने पर बैठे हैं? जो अभी धरना पर चल रहा है, ये जो प्रदेश सरकार जो है इसके मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें अभी जो 20, 22 और 23 तारीख को जो चक्रवाती तूफान आया, तेज हवा के साथ में जो बारिश हुई, जिसमें सोयाबीन, कपास, मक्का, तुअर आदि फसलें किसानों की खराब हो चुकी है, यानी बर्बाद हो चुकी है, तो सरकार इसका तत्काल सर्वे करवाए और धारा RBC 6-4 के तहत हमारे को राहत राशि प्रदान की जाए। दूसरा विषय हमारा था कि अभी पिछली जो सरकार थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री किसान ऋण माफ़ी योजना जो चलाई थी, जिसमें 8 तहसीलों के 1,00,000 रुपए तक की ऋण माफ़ी कर दी है, लेकिन जानबूझ करके खरगोन और गोगांव तहसील के किसानों को छोड़ दिया गया है। तो हमारे को 1,00,000 रुपए तक की ऋण माफ़ी 2 तहसील किसानों को की जाए और इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था और जो जनप्रतिनिधि, जो सरकार के जनप्रतिनिधि लोग थे जिनके कारण ये हमारे को नहीं मिल पाई, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तीसरा हमारा बिंदु है कि पिछली जो हमारी फसल खराब हुई थी और सरकार ने 700 करोड़ रुपया राहत राशि दी थी, जिसमें मात्र हमारे को 25% राशि दी गई है, अब हमारी जो 75% राशि है वो भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारे को दी जाए। ये मांगे अगर समय पर पूरी नहीं हुई तो किसान, ये यदि मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो अभी तो ये सांकेतिक धरना है, लेकिन आने वाले समय में हम जो ऐसा मालूम हुआ है कि उपचुनाव इधर उधर है तो आचार संहिता लग रही है, लेकिन हमारे को आचार संहिता में भी चरणबद्ध आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार के विरोध में हमारे को हमारी बात पुरजोर से रखना पड़ेगा। क्या सुनना आपको? सीताराम पाटीदार, भारतीय किसान संघ पूर्व जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।